हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेजर डिसेक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व ऑफ स्कोलियोडॉन। ठीक है, ये हमारे पास स्कोलियोडॉन है, डॉगफिश जिसको हम कुत्ता मछली के नाम से जानते हैं, डॉगफिश, उसका क्रेनियल नर्व का ये मेजर डिसेक्शन जिसको हम क्ले मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो डॉगफिश है एक प्रकार का शार्क है। ठीक है, तो ये जो शार्क है, डॉगफिश है, इसमें ये ब्रेन है, ब्रेन से कितना जोड़ी क्रेनियल नर्व बाहर निकलते हैं, ब्रेन से निकलने वाले नर्व क्या कहलाते हैं, क्रेनियल नर्व। तो कितना जोड़ी नर्व बाहर निकलते हैं, तो यहां पर 10 pair 10 जोड़ी नर्व इसके ब्रेन से बाहर निकलते हैं। तो पूरे के पूरे 10 जोड़ी को हमको नहीं दिखाना है, हमको केवल 4 pair को दिखाना है, 5th pair 7th pair 9th pair और 10th pair। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये उसका ब्रेन है, इस पोर्शन पर उसका आंख पाया जाता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आपको डॉट डॉट, इस पोर्शन पे क्या मिलेगा उसको, उसका आंख मिलेगा, आईज। ठीक है, तो जैसे हम उसके डॉगफिश के स्किन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और उसके मांस को हटा देंगे, मसल्स को, तो जो हमको नर्व दिखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। सबसे ब्रेन से ऊपर की ओर जो मोटी सी संरचना में जो नर्व दिखाई दे रही है, जो ये इसके स्नॉट भाग की ओर, थूथन भाग की ओर गया हुआ, आगे की ओर गया हुआ है, उसको बोलते हैं ऑप्थल्मिका सुपरफिशियलिस, ये 5th number का नर्व है। ठीक है, ये जो नर्व्स है ये एंटेरियर पार्ट को सप्लाई होता है और वहीं से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। उसके जस्ट नीचे जहां पर आंख पाई जाती है, उसके आंख के पीछे से, मतलब आंख के नीचे से, मतलब यहां पर आंख है तो उसके नीचे से एक बहुत पतली से नर्व गया हुआ है, इसका नाम ऑप्थल्मिकस प्रोफंडस, ये भी 5th number का नर्व है। और यहीं से एक ब्रांच निकला हुआ है और इसके जबड़े की ओर गया, अपर जाव की ओर, ऊपरी जबड़े की ओर जाने वाले नर्व कहलाते हैं मैक्सिलरीज, निचले वाले जबड़े की ओर जाने वाला कहलाता है मैंडिबुलरीज, ये भी 5th number के नर्व है। तो कितना प्रकार के नर्व हो गए, यहां पर 3 nerve हो गए, ऑप्थल्मिकस सुपरफेशियलिस, ऑप्थल्मिकस प्रोफंडस और ये मैक्सिलरीज मैंडिबुलरीज मिलाकर के एक है ये। ठीक है, तो 3 nerve हो गए, तो इन तीनों को एक साथ बोलते हैं हम ट्राइजेमिनल नर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राई मतलब 3 nerve का एक गुच्छा बनता है। ठीक है, क्या क्या, ऑप्थल्मिकस सुपरफिशियलिस, ऑप्थल्मिकस प्रोफंडस और मैक्सिलरीस मैंडिबुलरीस मिलाकर के एक, तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, फिर जाके ब्रेन में जुड़े, मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा था ऑप्थल्मिकस सुपरफिशियल, ये प्रोफंडस था और इधर ये मैक्सिलरीस मैंडिबुलरीस, ऐसे जाके ये जुड़े, तीनों मिला के जाके फिर कहां जुड़ते हैं, ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइजेमिनल नर्व के नाम से जानते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। अगला है 7th number का नर्व। आप एक चीज गौर करके देख सकते हैं, जो मैंने सेम कलर से बनाया है वो एक ही पेयर का नर्व है, अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके। ठीक है, यहां पर जैसे ब्लू कलर को 5th number के नर्व को शो करने के लिए दिखाया गया, इसके बाद देखिए ग्रीन कलर का जो नर्व दिख रहा है आपको, ये 7th number के पेयर को शो कर रहा है। ये जैसे आंख के जस्ट नीचे से, पीछे से नहीं, उसके नीचे से, यहां पर आंख है तो उसके निचले हिस्से से जा रहा है, ये नर्व कहलाता है रेमस बकेलिस। क्या कहलाता है ये, रेमस बकेलिस कहलाता है। इसी का अगला पेयर देखिए, ये जबड़े के पिछले हिस्से से, मैंडिबुलरिस के पीछे से, तो हायो मैंडिबुलरिस, हायो मतलब के पीछे, तो किसके पीछे, मैंडिबुलरिस के पीछे, हायो मैंडिबुलरिस नर्व दिख रहा है। ये दोनों कौन से नंबर के नर्व हैं, 7th pair के नर्व, यहां पर लिखा हुआ देखिए रेमस बकेलिस और हायो मैंडिबुलरिस। ठीक है, उसके बाद देखिए 9th number का नर्व, 1st pair गिल स्लिट, टोटल 5 pair गिल स्लिट पाई जाती है किसमें, स्कोलियोडॉन में, डॉगफिश में, कितना पेयर, 5 pair गिल स्लिट पाए जाते हैं, जिसमें से पहले पेयर गिल स्लिट को, ये 1st pair गिल स्लिट को एक सिंगल नर्व सप्लाई करता है जिसका नाम क्या है, ग्लॉसोफेरिंजियल, 9th number का नर्व है ये। ठीक है, उसके बाद जो बाकी जो 4 pair रह गए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 4 pair उस साइड भी होंगे, पेयर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस साइड भी हैं और मछली के उस साइड भी होंगे, तो ये जो 4 pair बाकी जो गिल स्लिट्स हैं इनको ये एक ही प्रकार के नर्व ब्लड सप्लाई करते हैं, इनको बोलते हैं हम ब्रैंकियलिस नर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रैंकियलिस, ये 10th number का नर्व का पेयर है। ठीक है, उसके ऊपर में जो दिख रहा है आपको विस्ट्रेलिस नर्व, विस्ट्रेलिस क्या करता है, सारे के सारे विस्ट्रल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, विस्ट्रल ऑर्गन बोले तो,
उन सभी ऑर्गन्स को जो स्मूथ मसल से बने होते हैं, जैसे हमारा पूरा इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, ये सब किसके बने हैं? स्मूथ मसल से बने हैं। इसे क्या है? वो विसरल ऑर्गन। तो वहां ब्लड सप्लाई करता है, तो नाम क्या हो गया इसका? विसरेलिस। और चूंकि इस एनिमल के, क्योंकि इंटीरियर पार्ट है, उधर पोस्टीरियर है, इधर डॉर्सल, इधर वेंट्रल, तो ये लेटरल साइड से जो नर्व गया है बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट की ओर, ये कहलाता है लेटरलिस नर्व। ये कौन सा नंबर का है? 10th नंबर का। मतलब ये जो रेड कलर से जितना भी दिख रहा है, सब 10th नंबर के नर्व के पेयर हैं। क्या क्या? ब्रेकियलिस, विसरेलिस और लेटरलिस। ठीक है, तो इतने नर्व को हमको किसमें दिखाना है? क्ले मॉडल में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले थर्माकोल कटर की सहायता से A4 साइज के पेपर की आकृति का थर्माकोल काट लेना है। अगर आप बच्चे हैं तो थर्माकोल कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाकू का इस्तेमाल करेंगे। उसके पश्चात डार्क कलर के क्ले को बेस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लकड़ी के बेलन की सहायता से धीरे धीरे इस क्ले को फैला देंगे और उतना फैलाएंगे जितना चौड़े बेस की हमको ज़रूरत है। इसके पश्चात थर्माकोल कटर या चाकू की सहायता से डायग्राम के अनुसार उसी प्रकार के आकृति का काट लेना है और इस काम को ध्यान से करना है। ध्यान रहे, अगर थर्माकोल कटर है तो कहीं हाथ ना कट जाए। अब इस कटे हुए क्ले के आकृति को उस थर्माकोल में ट्रांसफ़र करना है जिसके ऊपर में A4 साइज का पेपर रखा हुआ है। इसके पश्चात मल्टी कलर के क्ले का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, कोई लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो डार्क कलर के बेस में वो आसानी से दिखाई देगा। इस प्रकार से हम अब एक एक करके नर्व को बना लेंगे। ध्यान इतना रहे कि अगर यदि हम 5th पेयर के नर्व को बना रहे हैं तो सेम कलर के क्ले से बनाएंगे। जैसे हमने अभी बनाया येलो कलर के क्ले से 5th नंबर के नर्व को बना दिया। सबसे पहले बनाया ऑप्थर्मिकस सुपरफेसियल, फिर ऑप्थर्मिकस प्रोफंडस, अब बना रहे हैं मैग्जिलरिस और मैंडिबुलरिस। अब इस हरे कलर के क्ले का इस्तेमाल हम 7th पेयर के नर्व को बनाने के लिए करेंगे, जिनका नाम है रेमस बकेलिस और हायोमैंडिबुलरिस। अब हमने रेड कलर के क्ले को उसके 5 पेयर गिल स्लिट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अब लाइट ब्लू कलर के क्ले को उसके 9th नंबर के नर्व ग्लासोफेरेंजियल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। प्रत्येक गिल स्लिट्स के अगले वाले हिस्से पर जो पतली सी नर्व जाती है उसको प्री ट्रिमेटा के नाम से जानते हैं, जबकि पिछले वाले हिस्से पर जो नर्व जाती है उसको पोस्ट ट्रिमेटा के नाम से जानते हैं। अब ऑरेंज कलर के क्ले का इस्तेमाल उसके 10th नंबर के पेयर को बनाने के लिए हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बनाएंगे ब्रेंकियलिस जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर के गिल स्लिट्स को जाएगा। उसके बाद विसरेलिस बनाएंगे जो विसरल ऑर्गन को जाएगा। उसके बाद लेटरलिस बनाएंगे जो उसके लेटरल पार्ट से पूरे पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करता है। ठीक है, अब हम लाइट पिंक कलर का इस्तेमाल उसके ब्रेन को बनाने के लिए करेंगे। इस प्रकार हमारा मॉडल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, इसमें सिर्फ फ्लैग लेवलिंग करना बाकी रह गया। अब उन सभी क्रेनियल नर्व्स के नाम को एक मोटे से पेपर में लिख लेना है जो आसानी से ना मुड़े। फिर कैंची की सहायता से उसे पट्टी के रूप में काट लेना है और सुई से आसानी से उसमें फ्लैग लेवलिंग करना है।
अब प्रत्येक फ्लैग को जो नर्व है उस नर्व के सामने उसके नाम लिखे हुए झंडे को इस प्रकार से गाड़ना है कि सभी झंडे आसानी से एक साथ दिखाई दे। इस प्रकार हमारा मॉडल तैयार हो चुका है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये क्ले द्वारा बनाया गया मॉडल। ये देखिए, ये जो बोर्ड पे बनाया गया है डायग्राम और ये जो आपको दिखाया जा रहा है क्ले का मॉडल, ये दोनों लगभग सेम दिख रहा है। देखिए, आपको भी इस तरीके से कुछ क्ले मॉडल बनाना है, ठीक है। इसमें जो फ्लैग लेबलिंग करना है, जो नाम को लगाना है, ठीक है। देखिए, कुछ इस तरीके से जो मैंने वीडियो में दिखाया, इस तरीके से लगाना है कि जब आप सामने से देखें तो ये सभी नाम लगभग आपको एक साथ दिखाई पड़े। और ये रहा उसका सभी नर्व्स, आप देख सकते हैं जो सेम प्रकार के पेयर के नर्व्स हैं उनको मैंने सेम कलर से बना दिया है, ठीक है। इससे ये पता चलता है, जैसे येलो कलर दिख रहा है आपको, वो येलो कलर जितने भी दिख रहे हैं ये सभी येलो कलर फिफ्थ नंबर के नर्व हैं। जितना ग्रीन दिख रहा है सेवन्थ नंबर के नर्व हैं। और यहाँ पर जो अलग से दिख रहा है ब्लू कलर का, वो नाइन्थ नंबर का नर्व है। और जितना भी इधर आपको ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर के हैं, टेंथ नंबर के नर्व। एक बार आप फिर देख सकते हैं बोर्ड पे बनाया गया डायग्राम और ये क्ले का मॉडल बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। थैंक यू।